हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। अब मोदी सरकार ई पंजीकरण करवा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह योजना पहुंचे, क्योंकि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ चुका है और इस योजना को ज़्यादा किसानों तक पहुँचाने के लिए ई पंजीकरण ही सबसे सरल और आसान तरीका होगा, इसलिए सरकार इस पर काम कर रही है। और यहीं पर मध्य प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानों के डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 तक है। कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश के लगभग 1 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देना चाहती है, इसलिए 30 जून तक उन्होंने कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करा दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में बताऊंगा, तो चलिए देख लेते हैं। आज आपके काम की खबर 10 जून 2019 का अपडेट है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के आपके काम की खबर के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। पीएम किसान योजना में तेजी के लिए सरकार लाएगी ई पंजीकरण। जैसे ई मतलब इंटरनेट हो गया, मतलब ऑनलाइन होगा सब काम, ठीक है। 8 जून 2019 को यह खबर आई है। सरकार किसानों के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना को तेजी से लागू करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने पर विचार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी आय में मदद करना है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत किसान किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर जो हर गांव में और ब्लॉक लेवल पे आजकल खुल गए हैं, ठीक है। फार्म को ग्राम पंचायत के पटवारी या किसी अन्य अथोराइज अधिकारी द्वारा ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना होगा। जब आप इसमें आपको फार्म क्या क्या लगेंगे, एक तो पावती लगेगी आपकी ज़मीन की, उसके बाद बैंक की पासबुक लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है, और आपको खसरा नंबर लगेगा, ठीक है। ये 5 चीज़ आपको लगेगी, तो इनकी सबकी फोटोकॉपी को आपको पटवारी से या फिर कृषि अधिकारी से हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे साइन और सिग्नेचर के साथ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपने इसको अटेस्टेड करा लिया, ठीक है। तो इससे क्या है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, ताकि कोई भी दूसरा आदमी जो इसके बाहर है दायरे के वो भी इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। तो अच्छी बात है, सरकार इस योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार पर भी लगाम देगी। उन्होंने कहा कि फॉर्म में दी गई जानकारियों में मिलान न होने के कारण कई सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण से इन जानकारियों को साझा किया जाएगा और जाँचा भी जा सकेगा। मालिकाना जमीनी हक वाले किसानों के गठबंधन व सभी किसानों के लिए योजना का विस्तार होने के बाद इस स्कीम की पहुंच अब बहुत ज़्यादा लोगों तक है, इसलिए अब तेजी से लागू होने के लिए अन्नदाता को लाने की जरूरत हो गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण मौजूदा नर्सिंग सिस्टम के साथ ही काम करेगा। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्कीम को सभी किसानों के लिए लागू करने के बाद देश में इससे लगभग 14.5 करोड़ अर्थात 145 मिलियन किसानों को यह योजना का लाभ मिलेगा। हर किसान को स्कीम के तहत फायदा पहुंचाने में काफ़ी समय लगेगा। हम एक ऐसी प्रक्रिया पेश करेंगे जिससे इस बार को कम किया जा सके, बार मतलब दूरी को, इस दूरी को कम किया जा सके, क्योंकि अभी जो इसके पहले जो इसके ऊपर डाटा अपलोड किए जा रहे थे तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था, कोई अधिकारी मना कर रहा था तो किसी पटवारी के पास, तो किसी राजस्व विभाग के पास, तो किसी पोर्टल पे, तो सब जितने भी किसानों के डॉक्यूमेंट थे इधर उधर थे, लेकिन अब एक साथ एक ही सिस्टम के अनुसार यह डाटा रजिस्टर्ड होंगे, वो भी ऑनलाइन तरीके से, तो फटाफट काम होगा और जल्दी से इस योजना का लाभ मिलेगा। अब मध्य प्रदेश के सभी किसानों को दिलाएंगे सम्मान निधि। केंद्र सरकार की इस ई पंजीकरण की बात को लेकर कमलनाथ सरकार भी अब सचेत हो गई है कि उन्होंने सोचा यदि ई पंजीकरण होता है तो ऑनलाइन पहले ही डाटा किसानों के पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे तो मेरी जो स्थिति है वो नगण्य हो जाएगी, इसलिए कमलनाथ सरकार ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। पहले कमलनाथ सरकार ने इस योजना का
मखौल बनाया था, लेकिन अब इस पर वो काम कर रहे हैं। यह खबर 9 जून 2019 को आई है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना का खूब मखौल उड़ाया। अब चुनाव हो चुके हैं और सरकार प्रदेश के करीब 1 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि दिलाएगी। मतलब मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले ऐसे 1 करोड़ किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा दायरा बढ़ने के बाद। ठीक है जी, इसके लिए 30 जून तक सभी पात्र किसानों का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। योजना में केंद्र सरकार किसानों के खातों में 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये जमा करेगी। अभी यह राशि प्रदेश के कुछ हजार किसानों को ही मिल रही है। अभी कुछ ही किसानों को मिली है जिनकी संख्या हजारों में होगी, लेकिन यह संख्या करोड़ों में है और 1 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उसके लिए प्रदेश सरकार अब फटाफट 30 जून तक सारे डॉक्यूमेंट किसानों के पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करने वाली है, इसलिए आप सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने तय किया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदेशवासियों को दिलाया जाएगा। इसके लिए पिछले सप्ताह बजट प्रस्तावों को लेकर हुई वरिष्ठ अफसरों की बैठक में मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से ज़्यादा राशि प्रदेश में लाई जाए। इसके लिए केंद्रीय योजनाओं के साथ लंबित राशि को हासिल करने के अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। अच्छी बात है, सरकार सचेती है। जरूरत हो तो विभागीय मंत्रियों के साथ दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। मतलब प्रदेश के विभागीय मंत्री केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात करेंगे ताकि जो भी योजना आती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदेश सरकार की जनता को मिले। बताया जा रहा है कि सरकार की इसी रणनीति के तहत राजस्व विभाग ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिलाने का अभियान छेड़ दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जून के अंतिम सप्ताह तक ज़्यादातर पात्र किसानों का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। समग्र नहीं है जानकारी, मतलब जो भी किसानों की जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, वो एक साथ नहीं है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में किसानों की समग्र जानकारी कहीं नहीं है, मतलब इकट्ठा नहीं है। राजस्व विभाग के पास खातेदार किसानों की संख्या, जबकि योजना में व्यक्तिगत किसानों की जानकारी भेजी जानी है, इससे तैयार करने में समय लगा। अभी किसानों का कुछ डाटा कृषि विभाग के पास है, तो कुछ खाद्य विभाग के पास है, तो कुछ नागरिक आपूर्ति विभाग के पास है, कुछ राजस्व विभाग के पास है। इस प्रकार यह सब डाटा बिखरे हुए हैं, इसलिए अभी तक सरकार को यह योजना का लाभ नहीं मिल पाया और सरकार ने नहीं दिला पाई। लेकिन अब इन सबको इकट्ठा करके सारे डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार को भेजे जाने हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानों के नाम भेजने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 30 जून तक 80% किसानों का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। प्रदेश में लगभग 1 करोड़ छोटे और मझोले किसान हैं। मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग। इसका मतलब हुआ कि आप 30 जून के पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट जल्दी से आप पटवारी या कृषि अधिकारी से अटेस्टेड करा करके जहाँ पर भी जमा कराने हैं वहाँ जमा करा लें। आपको इसके लिए सूचित कर दिया जाएगा, पटवारियों से, कोटवारों से या फिर कृषि अधिकारियों से आपको बताया जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपको ज़मीन की पावती लगेगी, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद आपको खसरा नंबर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैंक की पासबुक लगेगी और आपका मोबाइल नंबर। ये 5 चीज़ ज़रूरी है, समग्र आईडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समग्र आईडी इसमें नहीं लगेगी। 5 चीज़ है, 5 चीज़ आप अभी से इकट्ठा कर लें और इसकी फोटोकॉपी भी करवा लें और जल्दी से इनको अटेस्टेड करा करके संबंधित अधिकारी को दे दें, पटवारी को दे दें। तो इस प्रकार से जानकारी थी, खुशी की बात है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।